बना रहे हैं नाश्ते में, हम क्या बना रहे हैं, आलू के परौठे, और बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। दिनों के बाद क्या, महीनों के बाद है ना, महीने के बाद। और जब बारिश थी, जब मौसम अच्छा था, तब नहीं बनाए ना, तब हमने हलवा बनाया और ना ही परौठे बनाए। और जब गर्मी है, इसको रहने दे। ये है नाश्ता, कॉफी और आलू के परौठे। साफ सफाई हो गई, आलू के परौठे हैं। दोस्तों आज सैटरडे के दिन वीकेंड, वीकेंड की छुट्टी, और छुट्टी के वीकेंड के दौरान इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपके सामने एक कप कॉफ़ी का साथ में तीन बिल्कुल कुरकुरे आलू से लबालब भरे हुए और घी में बिल्कुल अच्छी तरह से नहाए हुए तीन गर्मा गर्म परौठे। इसके साथ मैंने अचार की ख्वाहिश और करी है कि अच्छा हो जाए, अचार लिया मतलब जिंदगी में बाहर आ जाए और जिंदगी जो है इस कोविड टाइम में और बेहतरीन नजर आए। तो मैं खाना शुरू करूंगा, चल मैं अचार लेके आती हूँ। चार, हाँ सुनती नहीं है ना, ये एग्जॉस्ट ला रखा है। ये है घर का बनाया हुआ आपका अचार, ये वाला अचार है जो अभी बनाया ना मैंने 1 किलो का। हाँ जरा टेस्ट कर, इसमें थोड़ा तेल कम हो गया और नीचे नीचे उधर ही है। सही है, सूखा भी चार सही लगता है, बहुत ही टेस्टी हो रहा है। अरे मसाला भी दे ना। हाँ मसाला दिया तो है, नीचे से निकाल। अच्छा है, हाँ धूप लगानी है उसे, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया चटपटा हो रहा है। मैंने मिर्ची खूब डाली है इसमें। हाँ ठीक है, अच्छा। अरे और दे दे, ठीक है बढ़िया। तो ये अचार, ये आपके सामने परौठे और ये चल मैं बाकी बनाती हूँ। मैं अभी ना तेल ज़्यादा नहीं लगाती इसमें, बस हल्का हल्का लगाती हूँ। अरे भैया ले इसे पकड़ना, अब तो टेढ़ा ही आएगा वो, क्योंकि तुम ऐसे सीधा ना ऐसा रखते हैं ऐसा। क्या करें, अभी नए नए ब्लॉग मैंने शुरू किए, 10 बार बता चुकी हूँ। हाँ मैं भूल जाती हूँ। इसमें डाली मैंने बहुत सारी मिर्च, खूब सारी हरी मिर्च डाल दी मैंने। अब तो अर्जी को भी हरी मिर्च खाने का शौक हो गया, चटपटा ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया है। तो हम करते हैं नाश्ता, आइए आप भी आ जाइए साथ में नाश्ता करने के लिए। हाँ अरे वो क्या कहते हैं, अपना बैग कब पैक करेंगे? हाँ करते हैं, अब कल करेंगे, कल मैं अपने कपड़ों में प्रेस करूँगी जो मुझे ले जाने हैं। नहीं है ना, इतने कब बोला था कपड़े प्रेस करने के लिए? आज कल, कल शाम को बोला था। हाँ वो चला गया, कल का दिन चला गया। हाँ अब कल आज पे आ गया है। अरे तो हाँ कल करूंगी, कल तेरा तो वो नहीं, आज तो भी इससे पहले इतने बार हम घूमने गए किसने किया अन्ना बैग? आपने। सारे बैग अन्ना का भी मैं ही करती हूँ और हमारा भी मैं ही करती हूँ, इवन इसके सूट, इसके स्वेटर, जैकेट, वो भी सब मैं ही रखती हूँ। अरे मैं करूंगी ना कल, कुछ नहीं करती हूँ, सूट करूंगी अन्ना का, मैं कल तो मैं अन्ना का बैग पैक करूंगी। हाँ पैक, उसको पैक करना है और कुछ, अरे फुल स्लीव्स की पतली सी जैकेट रखनी है अभी। हाँ हालांकि गर्मी हो गई है, नहीं 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 नहीं, पहाड़ों में बारिश हो रही है अच्छी खासी, दिन में धूप होती है, अच्छा खासा मौसम होता है तब तो। हाँ नहीं सर, ठंड होती है ना। हाँ और कडिब्बा अन्ना बनाएगी, ठीक है, उसमें मोशन की दवाई रखनी है, फीवर की रखनी है। मैंने लिस्ट बना ली है। इसे बना ली है, ठीक है, तुम तो समझदार बच्चे हो, ठीक है। और अभी क्या टाइम हो गया? अभी 2 बज गए हैं सर। 2 बज गए, तुम खाना खा लें? हाँ खाना खाते हैं। अच्छा और एक चीज़ और करनी थी, क्या? ठीक है वो तो छोटा मोटा सामान लेके आना, वो हम कल परसों ले आएंगे। हाँ ठीक है, मार्केट जाके ले आएंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेके आनी है, ले आएंगे। और क्या रहे? सफाई हो चुकी है, बस थोड़ी और सफाई करनी है जिससे कि घर, जब हम घर में आए तो हमें सुकून हो,
कि घर साफ सुथरा है। ठीक है, हाँ वैक्यूम से वो सफाई करनी है बस, बाकी तो हो जाएगा। मैंने सब कर दी है, हाँ मैंने कर दी बस, ये साफ करना है, ये होना भी चाहिए, इससे अच्छा गलता कर। मुझे अपने माइंड को ना पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, मैं तैयार कर रही हूँ कि मुझे बैग पैक करना है। हाँ फिर करना है, सबसे गंदा काम होता है बैग पैक करना, मुझे मेरा फेवरेट है बैग पैक करना, मेरा फेवरेट। हाँ, मैं अभी तुम्हें कर बोलूँगी। ठीक है, नमक रखना है आपको, बहुत कम हो रहा है। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, इसमें मिला दिया। हाँ मिला दिया है, अब मत मिलाना। कैसे हो रहे छोले? बढ़िया हो रहे हैं, एज यूजुअल। बस थोड़ा चाव के साथ थोड़ा ग्रेवी वाले बनाए हैं। हाँ है ना, अब मैं अचार खाती हूँ। ये वही अचार है जो हमें बचपन में खाना पसंद था। हाँ फिर आप खा रहे हैं? खा रहे हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है, नजर भी आ रहा है, यम्मी यम्मी। देगी अभी? अच्छा, नहीं अभी नहीं ले रही। दाल दे देना। दाल ले लेना, आधा नहीं। चलो आपका चावल भी था माइक्रोवेव में, बाबा लिया जरा। मैंने तो बोला था अभी, चलो तू लेके आ जा। मैं अपने दही रख रही थी ना बुआ। अच्छा सॉरी बाबा, बेकार जाएंगे कहाँ, बेकार तुम्हारे यहाँ से। नमक बहुत कम हो रहा है, वैसे नमक कम हो रहा है। थैंक यू। गंदा भी है इसमें। चलो देखा छोटे बना के। फ्रेंड्स आज का मेन्यू है सफ़ेद छोले, आई होप आप देख पा रहे हो। और साथ में है राइस, और मैं तो सफ़ेद छोले हमेशा दही के साथ खाना पसंद करती हूँ। दाल और दही तो है ना। मिर्ची नहीं हो रही छोले में? जबकि मैंने मिर्ची रखी थी, मिर्च नहीं हो रही है। वो जो तुमने खड़े मसाले रखे आज तो उनका भी टेस्ट नहीं आ रहा है ना। हाँ मिसिंग नहीं है, आ रहा है। तेज पत्ते का टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल, लौंग इलायची का टेस्ट नहीं आ रहा, सब आ रहा है। उसकी स्मेल जब करोगे महसूस करोगे आ रहा है। कैसा लग रहा तुम्हें? सिंपल है, सिंपल है। हाँ बिल्कुल सिंपल छोले बनाए हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है न होता गर जुदा तन से, तो जानो पर धरा होता। दोस्तों ये गालिब की गज़ल है। मन थोड़ा सा बहुत दुखी है, थोड़ा उदास है, बस इसी गज़ल के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।